की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलो श्री राजश्यामा जी की जय, बोलो परम धाम की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। एक देखा ऐसा मैं खाना जा, हर कोई दीवा ना है। एक देखा ऐसा मैं खाना जा, हर कोई दीवाना है। सभी की आंखों में मस्ती है और हाथों में पैमाना है। सभी की आंखों में मस्ती है और हाथों में पैमाना है। सुनी कनक जो इश्क़ के प्यालों की, और दिल में तड़प सी जाग उठी। सुनी कनक जो इश्क़ के प्यालों की, और दिल में तड़प सी जाग उठी। वो आ जाए इस महफिल में, जिसी को पीना और पिलाना है। वो आ जाए इस महफिल में, जिसी को पीना और पिलाना है। एक देखा ऐसा मैं खाना जहाँ, हर कोई दीवाना है। वो देते रहे हम लेते रहे, ये वो देते रहे अंदाजों से, हम लेते रहे हैं नाजों से। वो देते रहे अंदाजों से, हम लेते रहे हैं नाजों से। हर एक अदा पर मिटने को बेताब जिगर दीवाना है। हर एक अदा पर मिटने को बेताब जिगर दीवाना है। एक देखा ऐसा मैं खाना जहाँ, हर कोई दीवाना है। कभी तेरी सी नजर की अदाओं से, देखे हो सी हवा सी भुलाई है। कभी तेरी सी नजर की अदाओं से, देखे हो सी हवा सी भुलाई है। जब होश में आए तो देखा तेरा दामन मेरा आशियाना है। जब होश में आए तो देखा तेरा दामन मेरा आशियाना है। एक देखा ऐसा मैं खाना जहाँ, हर कोई दीवाना है। वो देते रहे हम लेते रहे, ये दौर यूं ही चलता रहा।
वो देते रहे हम लेते रहे, ये दौर यूं ही चलता रहा। साकी हम में गम, साकी में आलम, ये बहुत सुहाना है। साकी हम में गम, साकी में आलम, ये बहुत सुहाना है। एक देखा ऐसा मैं खाना जा, हर कोई दीवाना है। सभी की आँखों में मस्ती है, और हाथों में पैमाना है। श्री प्रायनाथ प्यारी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आदित्य से प्रणाम कराओ ना। प्रणाम बेटा, एक मिनट अनम्यूट कर लो। प्रणाम जी आंटी जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी बेटा, जी। प्रणाम मैंने जी। हाँ जी, अभी सुनना शुरू किया है 3-4 दिन से। हाँ, आपका मैसेज आया था मेरे पास, हाँ, है ना। बहुत प्यारा बच्चा है ये। 6th क्लास में मुझे मिला था, जब अच्छा सिक्स अच्छा क्लास में पढ़ता था, जब इसने मुझसे ज्ञान लिया था। ठीक, रात बहुत सुंदर। को तो परिक्रमा रोज पर घूमता रहा पूरी रात, वो वीडियो क्या देखकर सोया था सो ना। गया। हाँ, देखकर सोया था वीडियो, तो इसको ठिकाना नहीं मिल रहा था कि रंग महल की परिक्रमा रोज पर अगर हम ऊपर देखेंगे तो चारों दिशाओं में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो इसको तो समझ अभी में। आज लास्ट में, आज लास्ट में वो कर लेंगे, हाँ, उसे है आज ना। कर लेंगे। तो वो उसे समझ में नहीं आ रहा था, तो राज जी से पूछता रहा, आत्म रूप सखी बन करके घूमता रहा। राज जी आओ मिलो, मुझे समझाओ। ठीक है, संदेश है ना, करते बहुत हैं। प्यारे। हाँ जी, हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी, श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी महाराज की मेहर से, सतगुरु महाराज श्री जी की प्रेरणा से, नवरंग वाणी में से हम एक प्यारी सी अर्जी कर रहे हैं, उस पे शोर चल रहा है कि नवरंग स्वामी किस तरह से हम सब सुंदर साथ की तरफ से पिया से अर्जी करते हैं कि पिया, आपके ही बेशक इलम ने हमें जागृत किया। आज हम इलम से जानते हैं कि हम आपके चरणों तले बैठे हैं, तो पिया से फिर फिर अर्जी कि पिया जी, नख से शिख तक का श्रृंगार हमारे धाम हृदय में ट्रिट कीजिए, चरणों की अलौकिक शोभा से श्री राज श्यामा जी के नूरानी चरण कमल, उन चरणों का नूर, चरणों में पहनने वाले आभूषण, झांझरी घूंघरी कावी करला, श्यामा जी की चरणों में अनवट बिछिया विशेष शोभा ले रही। शिरा जी के नूरी वस्त्र, श्यामा जी के नूरी वस्त्र, ये वस्त्र उनके ही अंग का नूर है, उनका ही स्वरूप है। जिस भी अंग को रू देखन लगे उसी में संपूर्ण दीदार पिया का होता हो।
आगे बढ़ते हैं। अलके जुगल जीवन की शोभा करण कपोल, ए न छुड़ाओ धनी जीवन जुगल किशोर। अलके जुगल जीवन की पलकों की बात हुई है कि जुगल जीवन की पलकें, श्री राज श्यामा जी की वो सोनी सोनी पलकें। अलके जुगल जीवन की शोभा करण कपूर, कैसे उनकी सुंदर शोभा, पलकों की शोभा। ए न छुड़ाओ धनी जीवन जुगल किशोर। जीवन जुगल किशोर पिया से पल पल अर्जी कि मैं श्री राज श्यामा जी की वो सुंदर नयन, उनमें आई वो पलकों की शोभा, पलकों में आए वो नूरी केश, प्रकृति की शोभा। किस प्रकार से उनके मुखारविंद पर उनकी शोभा अति सुंदर लग रही है। प्रकृति भ्रमर जुगल की, प्रकृति भ्रमर रंग जुगल की, चंचल चपल सुदेश, ए ना छुड़ाओ निरखते मिटे अंग आवेश। युगल पिया की तिरछी नैन और उन पर प्रकृति की शोभा, भ्रमर रंग श्याम रंग की प्रकृति, उज्जवल गौर वन पे उनकी श्याम राम रंग की प्रकृति हुए। और उन नैनों की गति कैसी है, चंचल चपल, श्री राज श्यामा जी के सन्मुख रुक खड़ी होके अपलक उनके नैनों का दीदार कर रही है। शिरा जी के चंचल चपल नयन विशालता ली, गंभीरता ली, मान ली, बहू की शोभा, प्रगति की शोभा। गोंड वन पर उनकी वो श्याम श्याम रंग की प्रगति, दोनों रंग मिलकर कितनी सुंदर शोभा। उन एक-एक केश की सुंदरता, नाचुकी सलू की उनसे उड़ता तेज, एक एक केश अति सुंदर आत्म स्वरूप, और जैसी शोभा होनी चाहिए उससे बढ़कर सुंदर शोभा। किसी ने जड़ा घड़ा नहीं, स्वतः उनकी ही अंग की शोभा। ये न छुड़ाओ निरखती मिटे अंग आवेश। नवरंग स्वामी कह रहे हैं कि हम पल पल इन शोभा को निरखें, हमारे हृदय के सभी ताप मिट जाएंगे, हमारे अंग में वो पिया के प्रति प्रेम, वो विरह आएगा। इन स्वरूप निखरने से ही फिर स्वरूप निरखे, इसी से इश्क पाने का एकमात्र यही उपाय है कि फिर धाम धनी के स्वरूप श्रृंगार को नीरखें, उनके संग 25 पक्षों में विहार करें। दृक कटाक्ष पियो प्यारी के लोचन ललित विशाल, ए न छुड़ाओ हे धनी रसिक रंगीले लाल। युगल पिया श्री राज श्यामा जी, उनकी अति सुंदर सुखदाई शोभा रंगीले लाल करके संबोधित किया गया। रसिक बनकर नवरंग स्वामी किस
पियो प्यारी श्यामा महारानी के। जैसे वो तिरछे नैनों से पिया को देखती है आधे घूंघट से, उनकी वो दृढ़ कटाक्ष श्यामा महारानी श्री राजी को घूंघट की ओर में, आधे घूंघट की ओर में जब पिया जी को निहारती है वो शोभा। और उनके नयन कैसे हैं, अति सुंदर विशालता लिए, लोचन ललित विशाल। तो ये धनी पल पल इन शोभा को हमने लिखी। युगल पिया सिंहासन पर विराजमान है श्री राज श्यामा जी, और युगल स्वरूप एक दूसरे से बात करते समय उन समय उनके नैनों की गति, और पियो प्यारी श्यामा महारानी जब घूंघट की आड़ में पिया जी को निरखे उन समय उनके नेत्रों की गति, नैनों की विशालता, और जब कभी वो आरसी में शिरा जी और अपना स्वरूप निरखे तो उन समय की वो चितवन, शिरा जी का दीदार करते हुए अंग प्रत्यंग उल्लासित होते हुए पियो प्यारी के। और उन समय शिरा जी भी कितनी प्यारी नजरों से श्यामा जी की ओर निहारते हुए उन अलौकिक प्रेम को, दिव्य प्रेम को महसूस करें। उन समय उनके मुखमंडल की आभा, वो मीठी मुस्कान, दृक कटाक्ष पियो प्यारी की, लोचन ललित विशाल। ए न छुड़ाओ हे धनी रसिक रंगीले लाल। कृपा निध करुणा भरे रसिक रंगीली नैन, ए ना छुड़ाओ हे धनी पियो प्यारी की सैन। मेरो के सागर पल पल रूहों पर मेहर बरसाते, पल पल रूहों को अपनी मेहर भरी नजर से भिगोते कृपा निध। और करुणा, कैसे करुणा के सागर बेशुमार प्रेम प्रीत अपनी रूहों वास्ते, ऐसे हैं उनके नयन रसिक रंगीले नयन, कैसे रस से भरे उनके रंगीले नयन हैं, अति सुंदर मान भरे गंभीर तली चंचलाई लिए उज्जलता, उनमें अर्श की लालिमा, उन नैनों में प्रेम प्रीत करुणा सभी नजर में आते हुए, उनके सभी दिल के भाव, दिल में जो बेशुमार लाड़ है उन नैनों से प्रत्यक्ष होता हुआ। श्यामा महारानी जो शिराजी को अपने नैनों से वो इशारे करती है, पियो प्यारी की वो जो सैन है, ए ना छुड़ाओ हे धनी, पल पल इन प्यारी सी शोभा को निरखो। नख से शिख पिया का दीदार, कैसे चितवन का मार्ग दिखलाते हुए, रसना की बात हुई तो वो मीठी मीठी बतिया, नैनों की बात हुई
तू कैसी राज श्यामा जी, एक दूजे को जब देखते हैं उन समय की प्यारी लीला का छवि का वर्णन करते हुए नवरंग स्वामी जी, हम रूहों के वास्ते मुखारविंद के वर्णन में हरवटी ठोटी अधूर कमल श्रवण अंग गोरे गोरे गालों की शोभा नैनों की शोभा दिखलाते हुए अब ले चल रहे हैं नासिका की ओर, नासा जुगल जीवन की सुंदर सुबह सुहाई, ए न छुड़ाओ निरखते प्राण हमारो जाए। जुगल जीवन युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी, उनके नूरमयी चरण कमल ही रूहों के जीवन का आधार है। उनकी नासिका अति गौड़ वन में लालिमा लिए सलूकी लिए दोनों नैनों के बीच में नासिका की वह सोनी शोभा और शिराजी की नासिका से ले मस्तक तक वो सुंदर तिलक कंचन रंग का अति प्यारा तिलक, श्री राज श्यामा जी युगल स्वरूप की वो प्यारी सी नासिका, सुंदर सुभग सुभाए अति सुंदर है, तलू की लिए है तरस है और सुगंधी से रूहों को लबरेज कर रही है धाम की, बड़ी प्यारी लग रही है श्री राज श्यामा जी की नासिका। नासा जुगल जीवन की सुंदर सुबह सुहाए ए न छुड़ाओ निरखते प्राण हमारो जाए, प्राण हमारो जाए। ये स्थिति चाहिए कि पल पल उन शोभा को निरखे, नहीं तो हमें चैन ही ना पड़े। युगल पिया सन्मुख है, उनकी प्यारी सी छवि का दीदार नासिका, शिराजी की नासिका में बेसर की वो सोनी शोभा, वो मोती उनके अधर कमलों पर उनका रस पान करता हुआ माणिक सा खिलता हुआ, और श्यामा जी की नासिका में बेसर और नथ दोनों की सुंदर शोभा, नथ बेसर शोभा छवि यहाँ मोती मनोहर रूप, ए न छुड़ाओ निरखती मंगल जुगल स्वरूप, युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की अति सोनी अति सुंदर जिन छवि को देखने मात्र से ही मंगल सुखी सुख की प्राप्ति होती है। उनकी सुंदर नासिका उनकी बेसर उनकी नथ का दीदार और उनमें आई सुंदर मनोहारी मोती जो अधूर कमलों से मिल उन अमृत रस का पान करके कैसे खिल उठते हैं, ई न छुड़ाओ निरखते मंगल जुगल स्वरूप। बीसर का वो मोती शिवराजी के अधूर कमलों पर टिक कर कैसे मुस्काता हुआ पल खाता हुआ मनमोहन रसनंद सागर में युगलदास महाराज जी कहते हैं कि थम जाए बेसर ना तो रूहें घायल हो जाएंगी, तेरी इतनी प्यारी शोभा कि थम जा नहीं, मैं तो धनी के अमृत रस का पान कर रहा हूं, धनी के अमृत रस का पान कर रही हूं, कैसे थम कैसे मान से भरी वो बेसर कि मैं पल पल पिया जी के उन अधरों से अमृत रस का पान कर रही हूं।
और श्यामा जी की नत उनकी नासिका से होती हुई वो सुंदर मोतियों की चेन बालों से जा लगी है। चले सुगंध सुवास की सौरभ सुखी खान, एना छुड़ाओ हे धनी मोहन जीवन प्राण। और इन नासिका से श्री परम धाम की वो सुगंधी राज श्यामा जी के अखंड सुखों की अनुभूति, श्री परम धाम के 25 पक्षों की सुगंधी रूहें लेती हैं। सौरभ सुखी खान और वो सुगंधी सुखों की खान है। इन छुड़ाओ हे धनी मोहन जीवन प्राण, पिया जी से पल पल अर्जी कि नासिका को पल पल निरखो, उनकी सुगंधि का पान करो, उन प्यारी सी बेसर नथनी की शोभा को निरखो। कितनी सुंदर है उनकी बेसर और नथनी, अति सोनी शोभा। अर्धचंद्रिका झिलमिले दो रेखा लाल रंग पीत, एना छुड़ाओ हे धनी जुगल तिलक रस रीत। अर्धचंद्रिका झिलमिले दो रेखा लाल रंग पीत, श्री श्यामा जी के मस्तक पर वो सुंदर बिंदी, उन बिंदी से उड़ता तेज और शिरा जी के नासिका ले मस्तक तक तिलक की सोनी शोभा, वो पुखराज स्वर्णिम आभा में झिलमिलाती दो रेखाएं, उनकी करकरी तिलक की सोनी शोभा, बिंदी की सुंदर शोभा। और बिंदी के नीचे अर्धचंद्रिका सी बनती हुई आधा चंद्रमा सा सुंदर उस नूर की रेस से, उन नूर की ज्योत से युगल पिया की मस्तक की वो सोनी शोभा, उनका उज्जवल मस्तक और श्यामा जी के मस्तक पर आता वो बिंदा, बिंदी के मोती मानिक, उनकी ज्योत भी झिलमिलाती हुई। अर्धचंद्रिका झिलमिले दो रेखा लाल रंग पीत, एना छुड़ाओ हे धनी जुगल तिलक रस रे। युगल स्वरूप दोनों ने अपने अपने अंदाज में स्वतः तिलक उनके मस्तक पर शोभायमान होता हुआ। और अब धनी शीश कमल की ओर नजर ले जाते हुए, झिलमिले मांग मोती भरी शीश फूल सरताज, लाल पाक को निरखते ए न छुड़ाओ राज। ये मेरे शिवराज जी, मेरे श्यामा जी, मैं पल पल आपकी मांग का दीदार करो, कैसे झिलमिल उनकी मांग है और उनमें मोती भरे है, मोती की चेन और उनके शीश कमल पर फूलों का वो सरताज, कैसे फूलों की अनुपम शोभा उनके शीश कमल पर विराजी है। लाल पाक को निरखते ये न छुड़ाओ राज, पल पल आपकी लालिमा लिए पाक को निरखो। मांग और मांग पर आई सुंदर मोतियों की शोभा
राखड़ी की शोभा यहाँ पर फूलों की प्यारी सी शोभा आती है, प्यारी सी नथनी। बेसुर की शोभा, शीश कमल पर शिवराज जी के सिंध्या रंग चढ़ा के अति सोनी बाग, झिलमिले मांग मोती भरी शीश फूल सिताज, लाल पाप को निरखते ए न छुड़ाओ राज। बंके अमोड़े परवने रसिक रंगीली पाग, ए न छुड़ाओ हे धिनी शोभा अति अनुराग। अब पाक की शोभा कैसी है, तिरछी पाक सारंगी के फूल की तरह, सारंगी एक वाद्य यंत्र है उसकी तरह, और उस पर किस तरह से पेच पर पेच वो मरोड़, तिरछी पाक अति सुंदर रंगों नगों में छिल मिलाती सिंध्या रंग चढ़ाव की उनकी पाक, ये शोभा ही बड़ी प्यारी है। ये धनी इस शोभा को पल पल में निरखो, पिया जी की पाक को अति सुंदर शोभा को पल पल निरखो। जैसे बंकी छवि यानी टेढ़ी छवि पाक की, सारंगी के उन वाद्य यंत्र की तरह, और कितनी सुंदर परवान चढ़ती हुई, एक एक लपेट को जैसे जैसे लेते हैं धनी, खुद स्वतः अपने हाथों से बांधते हैं रूहों को रिझाने की खातिर। सिर पाग बांधी चतुराई सो हके पेच हाथ में ले, उन सुख का वर्णन कैसे हो कि रूहों को रिझावन खाते, रूहों की नजरों में पिया देखते हुए पाग बांधते हैं, उनकी नजर में देखते हुए उन नैनों में देखते हुए पिया पाग बांध रहे हैं। और बड़ी प्यारी पाग है, कई प्रकार के कटाव नक्काशकारी, एक एक फूल सभी आत्म स्वरूप, शोभा अति अनुराग। और इस शोभा पे बड़ा प्यार आता है, अति सुंदर शोभा। अब राखड़ी मती रतन की जोत अनंत झलकार, ए न छुड़ाई ये निरखते जीवन प्राण आधार। श्री राजी की पाक उसमें आई दुग दुगी कलंगी, दुग दुगी में आया वो माणिक का नग, और श्यामा जी की राखड़ी उनमें आया वो माणिक का मणि रतन की वो माणिक का नग, अनंत उसकी झलकार, मेरे प्राणों के आधार ये मेरे श्रीराज श्यामा जी, मैं पल पल राखड़ी की शोभा को देखूं। राखड़ी की शोभा को पल पल देखो, उनमें आया माणिक का नाम मणि रतन, उन माणिक की वो लालिमा घेर कर आए मोती पुखराज, पांच के वो सुंदर नग कंचन रंग में छिल मिलाती उनकी राखड़ी, कितनी प्यारी अदा से उनके शीश कमल पर विराजी है। राखड़ली मणि रतन की जोत अनंत झलकार, ए न छुड़ाई ये निरखती जीवन प्राण आधार। शोभा सिंध सिर पेच की संगठ तो श्रृंगार, ए न छुड़ाई ये निरखती आनंद अंग आधार।
और जब वो बाग में एक के बाद एक पेड़ जाते हैं तो कैसे आनंद का सागर, वो शोभा का सागर, सनकट दो श्रृंगार और श्यामा महारानी जब उन श्रृंगार को तिरछे नैनों से उन दर्पण में कभी आरसी में निहारती है तो अति आनंद की अनुभूति, आनंद घन आधार, ये ना छुड़ाइए निरखती मेरे प्राण आधार। झिलमिल तुरा तेजसी कलंगी कुसुम सुवास, ए न छुड़ाइए निरखते सुंदर सुखी रास। पाक पाक पे कलंगी, दुगदुगी कलंगी तुरा, अब वो तुरा कितने रंगों से झिलमिला रहा है, उनमें कलंगी भी है फूलों की, उसकी सुगंधी भी है और ये अति सुखदाई है। दुगदुगी कलंगी तुरा उनमें फूलों की खुशबू, ए न छुड़ाइए निरखती भरी कवरी कुसुमावली शोभा कुसुम सिरताज, ए न छुड़ाइए हे धनी निज नवरंग सिरताज। निजरंग स्वामी के जो सिरताज हैं, स्वामी हैं, धाम धनी है, धाम दुल्ला है, युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी, उन दोनों की शीश कमल की वो प्यारी सी छवि, राखड़ी राखड़ी में आया वो मानिक, पान के ऊपर मोतियों की बेली, सुंदर फूल उनके केशों पर विराजते हुए, सिर बांधने की वो जो पटली और उन पर साड़ी का पल्लू, सिंध्या रंग जड़ा की साड़ी के भीतर से शीश कमल की शोभा, मस्तक पर वो बेंदी की शोभा और शिरा जी की पाक, सिंध्या रंग चढ़ाव की अति कटाव, उसमें कई प्रकार के रंगों नगों की नकाशी, दुगदुगी में आया माने और भी अनेक नग, कलंगी तुरा और उनसे उठती सुगंधी, फूलों की अपरंपार शोभा, एक एक नग फूल रूप में शोभायमान होता हुआ, नक्षिक शोभा जुगल की नित नवले श्रृंगार, ए न छुड़ाओ निरखते प्रेम परम रंग सा, नख से शिख तक शिरा जी की शोभा, पल पल उनका रूप प्रकाशित होता हुआ नए नए रंगों से, राजत सुबक सिंहासनी जीवन जुगल की शोर, ए न छुड़ाइए हे धनी हमें कहा नहीं ठोर। उनका सुंदर अति सुंदर सिंहासन उनपे पियाजी विराजे हैं और हमारा ठिकाना उनके चरणों तले ही है, नवल किशोर किशोरी की रसिक रंगीली जोड़, ए न छुड़ाओ हे धनी निकसी प्राण अंक तो, नवल किशोर किशोरी जोड़ी जीवन प्राण, नवल किशोर किशोरी की रसिक रंगीली जोड़, युगल स्वरूप ऋषा श्यामा जी की वो प्यारी सी छवि, युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की उन प्यारी जोड़ी का पल पल दीदार, नख से शिख अति सोने सिंहासन पर विराजे हमारी श्यामा श्याम की, पल पल उनकी शोभा को निरखो, नख से शिख तक उनका वो सोना स्वरूप अति अति सोना, पियो पुरुषोत्तम प्रिया की जोड़ी जीवन प्राण, ए न छुड़ाओ हे धनी होवे सुख की हान। पियो पुरुषोत्तम प्रिया की पूरन ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम
आप शेरराज जी और उनकी प्रिया श्यामा जी और उनकी जुगल जी जोड़ी हमारे जीवन का प्राण है, हमारे जीने का आधार है। पल पल उन जुगल जोड़ी का दीदार करें। चिदानंद चिद भावती जोड़ी सामनी साम, ई न छुड़ाओ हे धनी सबे सुख को धाम। युगल स्वरूप की वो जो जोड़ी है कैसे चिदानंद, हमेशा चित को आनंदित करने वाली, चित को प्रसन्न करने वाली, आनंद की लहरों में डुबोने वाली। आमने सामने उनकी वो प्यारी सी छवि सभी सुख को धाम, धाम की सब सुखों से ऊपर युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की छवि। रसिक रंगीले रंग भरे प्यू प्यारी एक संग, ए न छुड़ाइए निरखते हुए रंग में भंग। रसिक रंगीले रंग भरे प्यू प्यारी एक संग जब होते हैं, ए न छुड़ाइए निरखते हुए रंग में भंग। मनमोहन मन भावते जीवन जुगल आधार, ए न छुड़ाओ निरखते महादुख मारे मार। करो कराओ सो करे पियो पुरुषोत्तम साथ, श्री सुंदर इंद्रावती आजीज नवरंग नाथ। करो कराओ सो करे अब एक संपूर्ण समर्पण का भाव कि पियाजी जैसा आप करें, जैसा आपके चित को चाहे। मेरे पियाजी मेरे नाथ मेरे स्वामी श्री सुंदर इंद्रावती आजीज नवरंग नाथ। इंद्रावती जी के संग नवरंग स्वामी भी बहुत आजीजी से फिर अर्जी कर रहे हैं पिया से, हम रूहों के वास्ते। चौपाई दोहराते हैं, करो कराओ सो करें पियो पुरुषोत्तम साथ, श्री सुंदर इंद्रावती आजीज नवरंग नाथ, आजीज नवरंग नाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।